हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसनवी शरीफ में नकल करते हैं कि एक मर्तबा एक बुज़ुर्ग दिन के उजाले में चराग लेकर बाज़ार तशरीफ़ ले गए। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा इर्द गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, हुजूर क्या बात है, दिन के उजाले में सूरज की रोशनी में चराग की क्या ज़रूरत, दिन के उजाले में इस दिए की क्या ज़रूरत, चराग की क्या ज़रूरत, इस रोशनी की क्या ज़रूरत। तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं कुछ तलाश कर रहा हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। का हुजूर आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या तलाश कर रहे हैं कि जिसको तलाश और ढूंढने के लिए आपको नए दिए को जलाने की जरूरत पड़ गई और सूरज की रोशनी ना काफी है, आखिर आप ढूंढ क्या रहे हैं इस बाजार में इस मार्केट में। फरमाते हैं वो बुजुर्ग कि मैं जिस चीज को ढूंढ रहा हूं, जिसे ढूंढ रहा हूं वो इंसान है, मैं इंसान को ढूंढ रहा हूं। लोग हंसने लगते हैं, कहते हुजूर ये सरों का समंदर नजर आ रहा है, ये इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं, हर दुकान में इंसान, हर गली में इंसान, हर नुक्कड़ पे इंसान, हर चौराहे पे इंसान, हर मैदान में इंसान, हर घर में इंसान, और आप कह रहे हैं कि आपको इंसान नजर नहीं आ रहा। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुनो, ये तो इनके चेहरे इंसानों जैसे हैं, इनके दिल तो भेड़ियों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। अल्लाह, ये शक्लें इंसानों की है, वरना दिल इंसानों जैसा रहा कहां। और फिर अल्लामा जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, मौलाए रूम लिखते हैं, वो जुनेद बगदादी के वो हजरत सैयदी सरकार फरमाते हैं कि मैं इंसान को ढूंढ रहा हूं। और फिर वो नीचे लिखते हैं कि आपने कभी उस लकड़ी को देखा जिसे ऊंट की लकड़ी कहते हैं, उस लकड़ी में और वो कचरा जो जलाया जाता है, देखने में दोनों लकड़ियां एक जैसी होती है, दोनों बराबर होती है, लेकिन एक लकड़ी को जलाया जाता है और एक को हजारों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये तोले में बेचा जाता है, जबकि दोनों लकड़ी है। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि जो लकड़ी खुशबू देती है वो मार्केट में उसके दाम बढ़ जाते हैं, और जिस लकड़ी से खुशबू नहीं आती वो लकड़ी जला दी जाती है। फरमाते बिला शुबा और बिला तमसील आज सर तो इंसानों के नजर आ रहे हैं, चेहरे तो इंसानों के नजर आ रहे हैं, जिस्म और लिबास इंसानों का नजर आ रहा है, लेकिन आज दिमाग जानवरों से भी ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं, दिल जानवरों से भी ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं, बल्कि अल्लाह अकबर वो हरकतें एक जानवर नहीं करता जो हरकतें आज इंसान करते नजर आ रहे हैं। और ये कब की बात है, ये जलालुद्दीन रूमी के जमाने की, मौलाए रूम के जमाने की बात है, जबकि वो जमाना इस जमाने से बेहतर था, वो दौर इस दौर से बेहतर था। और अब तो हम कुर्ब कयामत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अब तो पता नहीं क्या क्या चीजें हमें देखनी है। और देखे ना ये जमाना कैसा आ गया है कि आज इंसान शैतान को तो मान रहा है लेकिन अल्लाह के वलियों को नहीं मान रहा, शैतान को तो मान रहा है अल्लाह के नबियों को नहीं मान रहा। आप देखें किसी से पूछे ये बताओ कि वो जिसे दज्जाल कहते हैं, दज्जाल क्या वो मुर्दे को जिंदा करेगा,
क्या वो मुर्दे को जिंदा करेगा? तो जवाब देंगे हाँ, क्यों नहीं। वो तो अगर मुर्दे के कई हिस्से कर दिए जाए और खुद ही वो मुर्दों को काट करके फिर उनके जिस्म को जोड़कर उन्हें जिंदा कर देगा। अल्लाह अकबर। और उसी से पूछो, क्या गौसे आजम, गरीब नवाज, अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी क्या मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते? तो वो दज्जाल के लिए तस्लीम करेगा लेकिन वलियों के लिए मानने को तैयार नहीं। उससे पूछो कि जनाबे इज़राइल का इल्म क्या है। वो इज़राइल अलैहिस्सलाम जिन्हें मलिकुल मौत कहते हैं, वो खता नहीं करते, एक वक्त में करोड़ों जगह पहुंचते हैं, एक वक्त में करोड़ों की जान लेते हैं, एक वक्त में कई जगह मौजूद रहते हैं। उससे पूछो तो वो जवाब देगा हाँ हाँ बिल्कुल, उनके पास इसका इल्म है, वो लोगों का पता जानते हैं, वो खता नहीं कर सकते, उनका इल्म इतना वसी है। लेकिन उसी इंसान से अगर पूछो कि तेरा क्या ख्याल है रसूलुल्लाह के बारे में, तेरा क्या ख्याल है नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में, तो वो इंसान जिसकी दाढ़ी भी लंबी है, जिसके सर पे टोपी भी नजर आ रही है, जो वज़ाकते भी मुसलमान और इस्लामी रखता है, वो कहता है नहीं नहीं हाँ हाँ इज़राइल के पास तो इल्म है, इज़राइल तो जानता है, इज़राइल को तो इतनी उसत हासिल है, लेकिन नबी को माज़ अल्लाह इस बात का इल्म नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। वही आप उससे पूछे शैतान के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो कहेगा हाँ शैतान तो इंसानों के दरमियान और इंसानों की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे शिरियानों में खून दौड़ा करती है। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर उसी से पूछे कि नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है, नबी मौजूद है या नहीं, नबी हाजिर व नाजिर है या नहीं, अन नबीउल औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम के बारे में तू क्या कहता है, तो कहते नहीं नहीं नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी तो माज अल्लाह अपनी कब्र में है, नबी तो मक्खी नहीं हटा सकते, नबी को तो कोई इख्तियार नहीं। माज अल्लाह। आप देखे तो सही, अंधेर नगरी चौपट राजा, शैतान के लिए सब कुछ मानने को तैयार, दज्जाल के लिए सब कुछ मानने के लिए तैयार, लेकिन अगर उसी मुल्ला से पूछे कि रसूलुल्लाह के बारे में तेरा क्या अकीदा है, तो बड़ी बेशर्मी के साथ इनकार करता नजर आता है। अब बात समझने की है और होश के नाखून लेने की है, तमीज करने की है, और वो तमीज मैं या स्टेज के उलमा नहीं, इनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह तमीज मौजूद है। अब ये तमीज आवाम को करने की जरूरत है कि देखो कि कौन किसको बड़ा मान रहा है, कौन किसके इल्म को तस्लीम कर रहा है, कौन किसके करामत को तस्लीम कर रहा है, कौन किसके तसरुफात को तस्लीम कर रहा है। और फिर उसके बाद फैसला आप पर है कि जिसका जो बड़ा होता है, हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है, हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है। अरे इनका माई बाप दज्जाल है, इनका माई बाप इबलीस है, इसलिए वो इबलीस के बारे में सब तस्लीम करते हैं। और तुम्हें इबलीस मुबारक, तुम्हें दज्जाल मुबारक, हमें गौसे आजम मुबारक, रसूल आजम मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आखिरी रिवायत पढ़ के अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूं, इसलिए कि जबरदस्ती हम लोगों की आदत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह जब मेराज में तशरीफ ले गए, उस वक्त वो इज़राइल जिसके बारे में आप बहुत कुछ मानते हैं कि कभी वो खता नहीं करता, दुनिया के कोने कोने में एक ही नाम के कई लोग, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे की रूह निकाल दी, और कभी कहीं एड्रेस पूछने के लिए वो इज़राइल खड़ा नहीं हुआ।
मस्जिद के इमाम से पूछ ले कि इस मोहल्ले में इस नाम के कितने हैं। उसने बराबर अपना काम किया, लेकिन सुनो, तुम जिस इज़राइल को इतना बड़ा इल्म वाला मान रहे हो, मेराज की रात वो इज़राइल भी मेरे रसूल की बारगाह में हाथ बांध कर सवाल कर रहा था। आका, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आते, समझा दो। और फिर मेरे आका ने सिर्फ इज़राइल के नहीं बल्कि कई नबियों के मसाइल को सुलझाया। हां, इज़राइल भी मेरे नबी के शागिर्द का नाम है, जिब्रील भी मेरे मुस्तफा के दर के गुलाम का नाम है। और ताज्जुब यह है कि तुम गुलामों को मानते हो, आकाओं को कब मानोगे? आकाओं को कब मानोगे? सुनो, 40,000 अलग अलग रिवायात है, फरिश्तों ने सवाल किए, फरिश्तों ने सवालात किए मेरे नबी से। एक सवाल हुआ, बस उसका जवाब देकर के गुफ्तगू खत्म करूं। कई फरिश्ते जमा हो गए, अर्ज की, मौला इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। वो सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पहाड़ों जैसे गुनाह करेगा, उसके गुनाह पहाड़ों जैसे होंगे, अंबार पहाड़ों के, लेकिन अल्लाह उस पहाड़ों जैसे गुनाह करने वाले उम्मती के गुनाह को माफ कर देगा, और वो पहाड़ जैसे गुनाह पहाड़ जैसी नेकियों में बदल जाएंगे। ये कैसे होगा? फरिश्तों ने रसूलुल्लाह से सवाल किया, मेराज की रात पहाड़ों जैसे गुनाह करने वाले उम्मती के गुनाह जो पहाड़ों जैसे थे, वो बख्श भी दिए जाएंगे, माफ भी कर दिए जाएंगे, बल्कि उस पे करम ये कि उन गुनाहों को भी नेकियों में बदल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जब मेरा रसूल मेराज में आएगा तो उससे सवाल कर लेना, वो तुम्हें इसका जवाब देगा। अब जब मुस्तफा तशरीफ ले गए मेराज में, फरिश्तों ने सवाल किया मेरे नबी से। सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती पहाड़ों जैसे गुनाह लेकर आएगा कयामत के मैदान में, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा और उसके पहाड़ों जैसे गुनाह को नेकियों में बदल देगा, कैसे? मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए कि मेरे उस उम्मती के अंदर तीन बातें होगी, मेरे उस गुलाम में तीन बातें होगी, मेरे उस कलमा पढ़ने वाले गुलाम के अंदर तीन बातें होगी। पूछा फरिश्तों ने, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बातें होगी? नंबर एक, मेरे आका ने फरमाया, वो भूखों को खाना खिलाता होगा। नंबर दो, जब सब सो जाते हैं उस वक्त उठ करके वो अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करता है। और नंबर तीन, जब वो एक नमाज पढ़ लेता है तो फिर दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है। मेरे उम्मती के ये तीन अमल ऐसे हैं कि जिस उम्मती ने अपनी जिंदगी में इन तीन बातों पर पाबंदी कर ली, भूखों को खाना खिलाया, रात को उठ उठ करके नमाजें पढ़ी और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र में लग गया, तो उस उम्मती के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा और उसके गुनाहों को जो पहाड़ जैसे होंगे, अल्लाह नेकियों में बदलकर उन पहाड़ों जैसी नेकियां उसे अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्ल अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।